आप देख रहे हैं BHBC News। नमस्कार, मेरा नाम है विपिन चौधरी और आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं BHBC News। गलवान घाटी में खूनी झड़प के बाद भारत चीन के बीच तनाव चरम पर है। 20 जवानों को गंवाने से देश गुस्से में है। गलवान घाटी में भारत का सड़क बनाना चीन को पच नहीं रहा और इस पर विवाद शुरू हो गया। जबकि चीन दरअसल गलवान घाटी में भारत के निर्माण को चीन गैरकानूनी इसलिए कह रहा है क्योंकि भारत चीन के बीच एक समझौता हुआ है कि LAC को मानेंगे और उसमें नए निर्माण नहीं करेंगे, जबकि चीन पहले ही इस क्षेत्र में सैन्य निर्माण कर चुका है और अब वह चाहता है कि भारत मौजूदा स्थिति को स्वीकार कर ले और बरकरार रखे। भारत भी सीमा पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए वहां सामरिक निर्माण करना चाहता है। अब इस पर वर्ल्ड मीडिया की खासी नज़र गड़ाए बैठी है। आइए देखते हैं चीन से विवाद पर विश्व मीडिया की नज़र में भारत कहाँ है। ये खबर भारत और चीन के सैन्य कर्मियों के मारे जाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखा जा रहा है। लेकिन ये भी सच है कि भारत हमेशा ही युद्ध से दूर रहने की नीति पर काम करता आया है। वहीं चीन का रवैया दुनिया भर को पता है। चीन की आदत हमेशा से दूसरे के अधिकारों को कुचल कर कब्जा करना रहा है। इस पूरे घटनाक्रम पर विश्व मीडिया भी अपनी नजरें बनाए बैठा है। BBC ने कहा है कि दुनिया की दो बड़ी सेनाएं बॉर्डर पर कई जगहों पर आमने सामने हैं। भारत और चीन के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर कई जगह विवाद है। नदियां, झीलों और हिमपात की वजह से बॉर्डर के शिफ्ट होने की भी आशंका रहती है, इसके चलते भी टकराव होता है। न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है कि भारत और चीन दोनों ही परमाणु शक्तियां हैं। दोनों जगह राष्ट्रवादी नेता सत्ता में है जो संघर्ष में पीछे हटने को तैयार नहीं होंगे। चीनी सैनिकों ने जो कार्रवाई की है वह एक चौंकाने वाली है। अच्छा होगा कि दोनों देश शांति बनाए रखें। ब्रिटेन के मीडिया संस्थान एक्सप्रेस ने कहा है कि भारत और चीन के बीच हिंसक झड़प से World War III की आशंका बढ़ गई है। गार्जियन के अनुसार दो परमाणु संपन्न देशों के बीच दुनिया की सबसे दुर्गम जगह पर पत्थर डंडों से खूनी टकराव हुआ है। चीन की विस्तारवादी नीति खतरनाक है। अमेरिकी टेलीविजन नेटवर्क CNN के मुताबिक यह घटना गेम चेंजर हो सकती है। भारत और चीन पिछले 45 सालों से जिस तरह से एक दूसरे के साथ हैं, इस झड़प के बाद सब कुछ बदल सकता है। चीन की यह कार्रवाई निश्चित रूप से भारत को उकसाने वाली है। यह बात तय है कि चीन ताकतवर है, लेकिन भारत भी कम शक्तिशाली नहीं। द इकोनॉमिस्ट के अनुसार जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग करने के भारत के फैसले से चीन नाराज है। उधर भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका में चीन की आर्थिक और राजनीतिक दिलचस्पी से भारत का चिंतित होना लाजमी है। अल जजीरा ने यह कहा कि इस समय चीन अमेरिका में भी तनाव है। ऐसे में मोदी के पास राष्ट्रपति ट्रंप जैसा मजबूत साथी है। भारत में चूंकि प्रधानमंत्री काफी सशक्त है, इसलिए उनको जनता और मीडिया का पूरा सहयोग मिलना तय है। आप देख रहे हैं BHBC News।